91.9 FM रेडियो नशा पर हाय झकास मॉर्निंग टू यू। आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो की हीरोइनी रोहिणी को और आज का टॉपिक है बीइंग ब्यूटीफुल। क्या आप अपने आप को ब्यूटीफुल मानते हैं? और अगर आपको लगता है कि नहीं, आज भी आपको यार उतना कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी ब्यूटी में, तो ऐसा क्यों है? औरतों पे ये जुल्म होता खूबसूरती का टोकरा सर पे लेके घूमने का। गोरा रहना जरूरी है, लंबी नाक रहना, लंबे रहना जरा, बाला बहुत खूबसूरत और घने रहना। तो बचपन में जब ये वर्ड सुनते थे खूबसूरत या ब्यूटीफुल, सबसे पहले दिमाग में आता था गोरा रंग, खूबसूरत आंखें। शायद ब्लॉन्ड गुड़िया ही खूबसूरत लगती थी, क्योंकि हम लोगों ने उस जमाने में सिर्फ गोल्डन हेयर वाले सफेद गुड़िया देखी थी। वो आइडिया ऑफ ब्यूटी या वो स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी रहता, और मैं वो हर स्टैंडर्ड के मैं आई डोंट एड अप। ये पता था कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, वो मुझे बता दिया गया था क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स थे, दाने थे और हाइट भी कम थी। मैं लंबी नहीं हूँ, मैं गोरी नहीं हूँ, मेरे बाला उतने ज़्यादा लंबे और घने नहीं हैं। मेरी जो इस वक्त हाइट है वो मेरी 13 साल की उम्र में हाइट थी। मैं बहुत पतली थी, सिर्फ टांगे ही टांगे दिखती थी। कैसे बताओ आपको कि हर दिन इफ़ यू हैव टू गो थ्रू द सेम कॉमेंट्स, तो ये सब चीज़ें मुझे पॉइंट आउट की जाती थी बाय पीपल। अब वो मजाक में कह लो, उस वक्त लगती थी बात, अरे गिड्डी, अरे दुबली, अरे ताड़ की झाड़, इसके देखो बाला भूरे हैं, अरे बेचारी बड़ी पतली है, हड्डियां ही हड्डियां हैं, कोई तो बॉडी ही नहीं है बेचारी की। बाल छोटे थे तो कभी कभी लड़का सोच लेते थे मुझे लोग, तो मेरे छोटे छोटे बाल थे, क्रू कट, और ट्राउजर्स पहनती थी, शॉर्ट्स पहनती थी, जीन्स और सम कुछ फंकी सा टी शर्ट और शूज़ पहन के जाती थी। तो मुझे क्लास में भी काफ़ी लोग टीज करते थे कि तू लड़का है या लड़की है, तेरे बाल इतने छोटे हैं, लंबी हो जा, इतनी छोटी है, गिटकी रह जाएगी। तो ये चीज़ दिमाग में एक बैठ गई। मुझे याद है मैं नानी के घर जाती थी और नानी ने स्पेशली मेरे लिए दीवार पे एक ऐसा डंडा और वो पोल लगवा दिया था। तो उनकी प्रॉब्लम, मैं इतनी बड़ी बन गई थी कि मुझे लगता था कि अच्छा मैं शायद अच्छी नहीं हूँ या मैं परफेक्ट नहीं हूँ। क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ और मेरा दिन भर बच्चों के साथ ही ताल्लुक होता है, आजकल के बच्चे शायद ब्यूटी के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। खुल गई है दुनिया, सोशल मीडिया है और गूगल है और एवरीथिंग इज़ अ क्लिक अवे, और बच्चों को हर तरह की चीज़ें पता चल जाती हैं। तो यस, दे आर एक्सपोज टू दिस। उनके लिए बहुत छोटे उम्र में ब्यूटी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। They are exposed to pressures of beauty, they are exposed to pressures of looks. पहले तो ये बात कि शायरों ने like seriously beauty का construct जो है उसे बहुत, उस पर बहुत pressure डाल दिया है। I mean कश्मीर की कली ले लो, कि चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, झील सी नीली आंखें। और मैं कह रही हूँ कि यार ये कोई ब्लॉन्ड लड़की की बात हो रही है। इंडिया में हमें गोरा रंग बड़ा पसंद है, जो कम फेयर हो या इतना गोरा नहीं हो उसे उतना ब्यूटीफुल परसीव नहीं किया जाता। मगर एक रहता है, यू नीड टू अटैच सम वैल्यू टू अ पर्सन, राइट? आदमियों के साथ उनकी प्रॉब्लम तनख्वाह का रहता है या उनकी करियर का रहता, औरतों के साथ अनफॉर्चुनेटली खूबसूरती का है। द प्रॉब्लम इज या डिफरेंस ये है कि आदमी अपना करियर या अपना बैंक बैलेंस बना सकते हैं, उनके कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं क्या करूँ अगर अल्लाह मेरे को गिड्डा बनाया तो? अब मैं क्या करूँ अगर मेरे आँखें खूबसूरत बादामी और यू नो भूरे नहीं है तो? मैं कास्टिंग करती हूँ जिसमें मुझे एक्टर्स फाइनल करने होते हैं, तो बहुत बार मुझे ये रिक्वायरमेंट दिया जाता है क्लाइंट की तरफ से कि अप मार्केट फेस चाहिए या अमीर दिखने वाले फेसेस चाहिए। तो उनमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि उनका रंग बहुत साफ होना चाहिए, बहुत गोरे होने चाहिए, और इससे मुझे बहुत चिढ़ है। अभी दुनिया में आप किसी को भी पूछो, इंडियंस आर ब्राउन, अलग शेड्स ऑफ ब्राउन होंगे। हमेशा से ये जो कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ ब्यूटी है वो कितना एट सम लेवल फिरंगी है ना, लाइक वो इंडियन ब्यूटी को नहीं डिस्क्राइब कर रहा। मेरे फ्रेंड्स जो बाहर रहते हैं विदेश में, जो विदेशी हैं, वो कहते हैं जब मैं बॉलीवुड मूवी देखती हूँ या देखता हूँ, ये सारे लोग इंडियन क्यों नहीं लगते, सब इतने सफ़ेद क्यों लगते हैं? यानी जो हम लोग जैसे दिखते हैं वैसे हमारे एक्टर्स दिखने चाहिए, खूबसूरत ज़रूर लेकिन रंग इतना ज़्यादा सफ़ेद कैसे हो सकता है जब 99% इंडियंस उस रंग के नहीं हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से दैट यू नो टू बी एन एक्टर यू हैव टू बी थिन, यू हैव टू बी अ सर्टेन बॉडी टाइप। तो जब मैं कास्टिंग डायरेक्टर से मीट लाइक आई मीट देम और वो कहते हैं कि आप बड़ी अच्छी एक्टर हो but you have to drop a few pounds right now, the kind of body type you're in you're going to get very weird roles. ladki jo aap ke age hain to bahut matlab fit hai, agar aapke kali aankhein nahi hain aur aapke gore gaal nahi hain
तो कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि ये गाना मेरे लिए कौन गाएगा यार. विच इज़ वाई जब जावेद साहब ने 1942 अ लव स्टोरी में एक गाना लिखा था विच वॉज यू नो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, यू नो सडनली आपने ये इंटरनलाइज कर दिया कि आपको कैसा लगा, यू नो कि जैसे वो खिलता गुलाब है, शायर का ख्वाब है. एंड आई थॉट दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पीसेज ऑफ राइटिंग. बट आपकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस किसी भी मायने में ये नहीं डिसाइड करती है कि आप कैसे इंसान हैं, आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने वाले हैं कि नहीं, आपको लाइफ में खुशी और प्यार मिलने वाला है कि नहीं. किसको नहीं होना भाई खूबसूरत रहना. आई मीन एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी खूबसूरत. कौन नहीं चाहता कि कोई अगर इलाहे कोई बोले कि पहले दिमाग में लोगों का बोलाना खूबसूरत, यू नो दैट लवली इलाहे, दैट गॉर्जियस इलाहे. मगर मेरे को क्या मिलता, दैट फन पर्सन इलाहे, दैट स्मार्ट इलाहे. आई फील फिजिकैलिटी पे कम ध्यान दिया जाए एंड बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो ये चीज़ें मायने नहीं रखेंगी. ये विक्टिमाइजेशन भी हम इतना बहुत ले लेते हैं मालूम कि अल्लाह मैं खूबसूरत नहीं हूँ. नहीं है भैया, आप आगे बढ़ो. जब आप थोड़ी ज़िंदगी जी लेते हैं ना तो आपके कुछ एक बैंक ऑफ एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, तब आप अंदर जाने लगते हैं. फिर आगे चलकर जब यू नो रेडियो से पाला पड़ा तो मुझे एक बहुत ही अमेजिंग रियलाइजेशन हुआ और वो था ये कि लोग आपको देख नहीं सकते और फिर भी वो आपको कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छी हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं. लोग आपको देख नहीं सकते फिर भी वो आपके साथ कनेक्ट करते हैं बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट इज़ ब्यूटी राइट, इट इज़ व्हेन पीपल शो यू लव. आई मीन दैट टू मी इज़ द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी कि लोग जब आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आपसे वो प्यार करते हैं तब आपको लगता है कि आप खूबसूरत हो. खूबसूरती ऐसे आप बाहर से खरीद के अप्लाई नहीं कर सकते हो, यू नो वो आपके अंदर से जब आप एक्चुअली अपने आप से प्यार करने लगते हो, अपनी जब आप वैल्यू क्रिएट करते हो, आई थिंक दैट्स व्हेन यू रियली फील ब्यूटीफुल और फिर एक्सटर्नल वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है. खूबसूरत जो लव्स है उसका मतलब क्या है मैं नहीं जानती, डिक्शनरी में मैंने कभी चेक नहीं किया, बट मुझे इतना पता है कि ये आम नहीं हो सकता है. इसका मतलब बदलेगा, आपकी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसिस की वजह से बदलेगा, जो लोग आपकी ज़िंदगी में उस वजह से बदलेगा. ये एक एवर इवॉल्विंग वर्ड है जो जो कभी बॉक्स्ड इन नहीं हो सकता. जो दिन ये रुकेगा कि ब्यूटीफुल क्या है, आप ये वर्ड के मायने को जब पिन डाउन करना छोड़ेंगे, जब ही आप हमारे को रिहाई देंगे ये वर्ड से, दैट इज़ ऑल आई कैन से. जस्ट बी फ्री ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल, यूज इट फ्रीली, एक्सेप्ट इट फ्रीली एंड लिव इट फ्रीली. दैट्स द ओनली वे यू कैन बी ब्यूटीफुल. दैट्स इट. सो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी? Joy, beautiful by nature.